गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में कि बिटकॉइन का प्राइस अभी किस डायरेक्शन की ओर मूव हो रहा है, एंड आल्सो वी विल डिस्कस अबाउट वेस्ट 3 कॉइंस। सो ये कॉइंस आपको इस बुल रन के अंदर काफी अच्छा रिटर्न देकर जा सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आल्सो टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन टू नेवर मिस एन अपडेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स क्विकली गेट डाइव इनटू द वीडियो। सो अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, सो यहां पर बिटकॉइन का चार्ट है, एंड जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी इस चार्ट के बारे में काफी बार डिस्कस किया है। सो यहां पर असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न फॉर्म हो रहा है, एंड अगर मैं इस पैटर्न की बात करूं, सो यूजुअली ये पैटर्न बियरिश साइन होता है, जहां पर हमें कुछ ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। सो प्रोबेबली देयर आर चांसेस कि यहां से हमें बिटकॉइन का प्राइस गिरता हुआ नजर आए, बट एज ऑफ नाउ जैसे कि हमें पता है कि बिटकॉइन का प्राइस काफी ज्यादा बुलिश है, एंड जब भी बिटकॉइन का प्राइस बुलिश होता है तो बिटकॉइन काफी ज्यादा आउट परफॉर्म करता है। सो अगर मैं इसके प्राइस टारगेट की बात करूं, इन केस हमें बिटकॉइन का प्राइस यहां से अपवर्ड मूव करता हुआ नजर आता है, सो इसका प्राइस टारगेट नियरली 87,000 to 88,000 डॉलर्स रह सकता है। सो देयर आर चांसेस कि हमें बिटकॉइन का प्राइस काफी ज्यादा पंप होता हुआ नजर आए। एज वी नो कि जब भी बिटकॉइन आफ्टर एवरी हाइविंग पंप होता है तो हमें यहाँ पर एक ह्यूज रैली देखने को मिलती है। बिटकॉइन अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक करके न्यू हाइज बनाता है, सो प्रोबेबली देयर आर चांसेस कि हमें यहाँ पर बिटकॉइन रैली देखने को मिले, एंड अगेन बिटकॉइन यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बट अगर हम अभी की बात करें, तो एज ऑफ नाउ बिटकॉइन का प्राइस नियरली 47,700 डॉलर्स अराउंड चल रहा है, एंड एज यू कैन सी कि हमें यहाँ पर असेंडिंग वेज पैटर्न देखने को मिल रहा है। सो अगर मैं इसका प्राइस टारगेट देखती हूँ कि इसका प्राइस टारगेट कितना जा सकता है, सो एज यू कैन सी कि हमें यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस नियरली 55,000 डॉलर्स तक जाता हुआ नजर आ सकता है। बट यही अगर हमें इसका ब्रेकआउट नीचे की ओर देखने को मिलता है, देन इसका प्राइस नियरली 40,000 डॉलर्स भी जा सकता है। एंड ऑल्सो हमें एक और यहाँ पर बियरिश सिग्नल भी देखने को मिल रहा है, सो दैट इज RSI। सो एज यू कैन सी कि जो अभी बिटकॉइन का प्राइस है दैट इज अपवर्ड मूविंग, बट एट द सेम टाइम जो RSI है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो इन दैट केस ये हो सकता है कि हमें बिटकॉइन का प्राइस गिरता हुआ नजर आए, बट एज ऑफ नाउ हो सकता है कि हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर कुछ पंप देखने को मिले। रीजन इज कि हमें 50,000 डॉलर्स के अराउंड एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस देखने को मिली थी, एंड इसी रेजिस्टेंस के चलते हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर कुछ करेक्शन देखने को मिली थी। बट अगेन हमें यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस पंप होता हुआ नजर आ रहा है, सो प्रोबेबली देयर आर चांसेस कि यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर की ओर मूव करे, एंड इन केस बिटकॉइन अपना 50,000 डॉलर का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, देन बिटकॉइन का प्राइस इजिली 55,000 to 60,000 डॉलर भी जा सकता है। एंड अगर हम बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें, सो एज यू कैन सी कि अभी हमें यहाँ पर फॉलिंग वेज देखने को मिल रहा है, एंड राइट नाउ जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो नीचे की ओर मूव कर रही है। दिस मीन्स कि जो हमारा एक मेजर लेवल था विच इज समवेयर अराउंड 62%, सो वहां से अभी डोमिनेंस ने नीचे की ओर ब्रेकआउट लिया है। सो देयर आर चांसेस कि जल्दी हमें डोमिनेंस के अंदर और भी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिले, एंड इन केस बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है देन डेफिनेटली ओल्ड्स के अंदर हमें काफी अच्छा पंप देखने को मिल सकता है। एंड अगर मैं कुछ ओल्ड कॉइंस की बात करूं जो कि इस बुल रन के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, सो जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ओल्ड कॉइन रहने वाला है दैट इज 1 इंच। सो अगर हम 1 इंच की बात करें तो 1 इंच एक डेक्स है, एंड एज यू कैन सी कि अभी हमें यहाँ पर असेंडिंग वेज देखने को मिल रहा है, एंड देयर आर चांसेस कि जल्दी हमें इसका ब्रेकआउट देखने को मिले। सो अगर मैं इसके प्राइस टारगेट की बात करूं, सो यहाँ पर मुझे नियरली $10 तक 1 इंच का प्राइस जाता हुआ नजर आ सकता है, विच इज इवन मोर देन 2x। सो दिस मीन्स कि अभी हमें 1 इंच के अंदर भी काफी ज्यादा स्कोप नजर आ रहा है। एंड अगर हम 1 इंच की बात करें, सो एज यू कैन सी कि अभी हमें कुछ टाइम पहले यहाँ पर कुछ डंप देखने को मिला था, जहां पर 1 इंच ने अगेन इस लाइन को रीटेस्ट किया था, एंड आफ्टर दैट अगेन हमें इसका प्राइस अपवर्ड मूव करता हुआ नजर आ रहा है। सो देयर आर चांसेस कि जल्दी हमें इसका प्राइस और भी ज्यादा हाइज पर जाता हुआ नजर आए, एंड इजिली 1 इंच का प्राइस हमें 2x 3x भी होता हुआ नजर आ सकता है। एंड नॉट ओनली टेक्निकल एनालिसिस, बट अगर मैं इसके फंडामेंटल्स की भी बात करूं, सो 1 इंच रेगुलरली अपने न्यू एयर ड्रॉप्स कर रहे हैं, जहां पर ये न्यू यूजर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो अभी रिसेंटली हमें 1 इंच का एक और एयर ड्रॉप देखने को मिला था, जहां पर 1 इंच ने यूनिस्वैप यूजर्स को कुछ एयर ड्रॉप दिया था। दिस मीन्स कि जो 1 इंच है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑल्सो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अभी यूजर्स कलेक्ट कर रहा है। सो यहाँ पर जो 1 इंच का विजन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एंड प्रोबेबली 1 इंच के यूजर्स आगे आने वाले टाइम के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। सो देयर आर चांसेस कि जल्दी हमें 1 इंच के अंदर काफी अच्छा पंप देखने को मिले, एंड 1 इंच का प्राइस आपको काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। एंड मूविंग ऑन टू अवर सेकंड कॉइन, सो जो हमारा यहाँ पर सेकंड कॉइन रहता है दैट इज पोल्का स्टार्टर।
सो पोलका स्टार्टर एक प्रोजेक्ट है पोलका डॉट इकोसिस्टम का, एंड पोलका स्टार्टर भी अभी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड एज यू कैन सी कि हमें यहाँ पर भी असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न नजर आ रहा है, सो प्रोबेबली देयर आर चांसेस कि जल्दी हमें पोलका स्टार्टर का भी प्राइस काफी ज्यादा अपवर्ड मूव करता हुआ नजर आए। एंड अगर मैं इसके भी प्राइस रेंज की बात करूँ कि इसका प्राइस कितना जा सकता है, सो एज यू कैन सी कि हमें पोलका स्टार्टर का भी प्राइस इजीली यहाँ से 2x होता हुआ नजर आ सकता है। एंड अगर हम पोलका स्टार्टर की बात करें तो ये भी काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, एंड जो पोलका स्टार्टर है दैट इज वर्किंग ऑन इनिशियल डेक्स ऑफरिंग। सो पोलका स्टार्टर के ऊपर आपको काफी ज्यादा न्यू प्रोजेक्ट्स नजर आ सकते हैं, एंड ऑल्सो पोलका स्टार्टर के ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। सो प्रोबेबली देयर आर चांसेस कि पोलका स्टार्टर का प्रोजेक्ट भी हमें ग्रो होता हुआ नजर आए, इसका नेटवर्क भी हमें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आए, जिसके चलते पोलका स्टार्टर का प्राइस भी हमें काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। एंड हमने कुछ प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स डिस्कस किए हैं जो कि हमें इजिली 5x तक का भी गेन दे चुके हैं, सो ये भी हमें अभी काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। एंड मूविंग ऑन टू आवर लास्ट कॉइन, सो जो हमारा यहाँ पर लास्ट कॉइन रहने वाला है दैट इज APY। सो जो APY है वो भी अभी हमें काफी अच्छे प्रॉफिट्स दे सकता है, एंड अगर हम APY की बात करें सो हमें यहाँ पर भी एक असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न नजर आ रहा है, एंड यहाँ पर भी हमें कुछ करेक्शन देखने को मिली थी जहां से अगेन इसने इस लाइन को रीटेस्ट किया है। एंड अगर मैं अभी की बात करूं देन अगेन हमें APY के अंदर कुछ पंप देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम बात करें कि APY का प्राइस कितना जा सकता है, सो APY का प्राइस हमें इजीली यहां से 3x तक जाता हुआ नजर आ सकता है। सो एज वी नो कि हमें बिटकॉइन का प्राइस भी कुछ ऐसे जाता हुआ नजर आया था, एंड एज ऑफ नाउ ऐसे बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमें काफी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, एंड इसी के चलते ये हो सकता है कि APY भी हमें काफी अच्छा रिटर्न देकर जाए। एंड अगर मैं APY की बात करूं कि ये है क्या, सो APY इज यील्ड फार्मिंग रोबो एडवाइजर। एंड अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर जो लीडिंग डीफाई प्रोटोकॉल्स है वो इससे कनेक्टेड है, जहां पर हमें यूनिस्वैप, सुशी स्वैप, DYDX ऐसे बहुत सारी डिफरेंट चीजें नजर आती है जो कि हमें काफी अच्छा रिटर्न दे सकती है। एंड नॉट ओनली दिस बट अगर हम इसके इन्वेस्टर्स की भी बात करें सो इसके इन्वेस्टर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, सो देयर आर चांसेस कि जल्दी हमें APY भी काफी अच्छा रिटर्न देकर जाए। सो गाइस आई होप कि यहाँ पर आपको सब चीजें क्लियर हुई हो कि किस तरह भी प्रोजेक्ट्स वर्क कर रहे हैं, एंड राइट नाउ ऐसे बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमें वन डे के अंदर मोर देन 200% का भी रिटर्न दे रहे हैं। सो प्रोबेबली देयर आर चांसेस कि ये प्रोजेक्ट्स भी आपको काफी अच्छा रिटर्न देकर जाए, एंड ये प्रोजेक्ट्स आपको इजिली 5-10x का भी रिटर्न दे सकते हैं। बट रेस्ट इट्स इम्पोर्टेंट कि हम टाइम टू टाइम अपने प्रॉफिट को बुक करें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको सब चीजें क्लियर हुई हो, एंड आपका क्या ओपिनियन है इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर, एंड ऑल्सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या भी बिटकॉइन का प्राइस हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा या फिर हमें अगेन यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकती है। प्लीज शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी यहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का पता लगे एंड वो भी यहाँ पर टाइमली इन्वेस्टमेंट कर सके। So that's it for today's video. Thanks for watching this video. If you like today's episode, then make sure to hit the like button and also subscribe to this channel for the regular crypto updates. Stay tuned for more videos. Bye-bye. Take care.